काम वाली बाई, तो काम वाली बाई अगर प्यार से बोलते हैं तो काम वाली बाई कट करिए। अरे क्या कट करिए, सब पब्लिक है भैया। तो भाई साहब पता नहीं खाने का रीजन भी है, मतलब ये थोड़ा सा बर्तन वर्तन धोने का झंझट हो जाता है, तो मतलब उसको मचरा बाबा आदम जमाने का जो भी मूवी भी होता है ना, राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा के जमाने का, वो भी सामने देखना पड़ता है हम लोग को। फिलहाल तो माहौल ही ऐसा है, वीकेंड को होता है थोड़ा सा चिल रहता है, चलो ठीक है, लेकिन वीकेंड भाई साहब तुरंत बीत जाता है और पता नहीं चलता भाई वीकेंड बीत गया है ना। तो वैसे आप हमारे एक, ये तो पूर्णिमा अलवेली पूर्णिमा का चैनल है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को ही फॉलो कर सकते हैं। हेलो जी, वेलकम, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे, हमारे चैनल में स्वागत है। सुबह के सुबह हो चुका है और सुबह में लाइक मेरा नींद तो ही पूरा नहीं हुआ है, आपको आंखों से लग रहा होगा, तो जैसे फूला वूला वाला जैसा आंखें हैं तो आपको लग रहा होगा नींद तो पूरा नहीं हुआ है मेरा। वैसे सुबह फिर गया, फिर मैं कुछ स्पेशल लाया हूँ, आज से थोड़ा सैटरडे में कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना, तो देखिए चल देखते हैं आज पूर्णिमा क्या स्पेशल बना रही है, बना तो रही है, देखते हैं। मिष्टी यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर देती है, तो आज पूर्णिमा क्या कर रही है आज? तो गाइस कुछ समथिंग स्पेशल है, मतलब फिर आज सुबह सुबह मार्केट गया, जल आँख तो मेरा जल रहा था, पर ठीक है, गया फिश खाने का मन था मम्मा को, तो मम्मी बोली फिश खाना है, पापा बोले ठीक है, गया मार्केट गया, फिर उसके बाद आज देख सकते हैं आप फिश फ्राई हो रहा है, कतला कहते हैं हमारे बिहार में इसे, तो कतला फिश है, फिर पापा को पसंद है छही मछली कहते हैं, छही समथिंग कुछ कहते हैं छोटा वाला, तो बहुत बहुत टफ होता है मेरे लिए वैसे धूमधाम के लाना, बहुत एक्चुअली मैं जल्दी मछली नहीं पहचान पाता हूँ, तो थोड़ा टफ हो जाता है। और ये हमारी काम वाली बाई है, असाइन, अभी रिसेंटली असाइन किया है काम वाली बाई को, काम वाली बाई नहीं मतलब प्यार से बोलते हैं ना काम वाली बाई, तो काम वाली बाई अगर प्यार से बोलते हैं तो काम वाली बाई नहीं बोली कट करिए। अरे क्या कट करिए, सब पब्लिक है भैया। तो भाई साहब थोड़ा काम वाली मतलब काम वाम कर देती है और ठीक है, और उसके ब्याज पे थोड़ा सा दो पीस मछली दे देते हैं खाने के लिए, चल जाता है काम। और वैसे देखिए अभी तो बेचारी नहीं करती थी, और पूर्णिमा तो वैसे करती नहीं थी, अब इनके भाई भाई आके बना देते थे, अब बेचारी नहीं है तो ये बना दे रही है। तो वैसे आप लोग भी कमेंट में बताइए कि भैया काम वाली भाई पत्नी तो बनी सकती है ना थोड़े के लिए, पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, पत्नी होती है काम वाम करने के लिए, नहीं काम, अरे भैया पति आराम करता है काम नहीं करता। तो गाइस तो अभी तक के लिए तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, काम वाम तो चलता रहता है, चलता रहता है, पर मेरा आखिर इसके बाद क्या करोगी, मतलब कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा पूर्णिमा बनाना? एक घंटा, तो उतने देर भूखे तो इतने देर भूखे रहे हम। और गाइस ये क्या है, ये क्या है जरा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आप लोग पहचान जाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एग्जैक्टली ये है क्या। और हमारे घर में थोड़ा सा वो भी लोचा है, मतलब कितनों के घर में होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मछुआ वो मछुआ, अगर कोई नॉनवेज बनता है तो थोड़ा सा रहता है। फाइनली पूर्णिमा ने छोटे वाले मछली का मसाला भूज लिया है, ये थोड़ा सा बिहारी टेक्निक में बनता है फिश हमारा, तो हम तो बिहार से हैं। और आप बताइए कि क्या आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं? तो पूर्णिमा आप फिर आपने मतलब आप कैसे बना रहे हो ये बताओ मुझे, मतलब पहले कैसे क्या प्रोसेस, कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे बनाते हो आप? पहले मछली को थोड़ा सा हल्दी नमक थोड़ा मिर्चा सरसों को पीसते हैं, सरसों डाल के थोड़ा सा पहले फ्राई करते हैं, मिलाते हैं, फ्राई करने के बाद उसको सरसों में फोरन डालते हैं, उसके बाद मसाला सरसों लहसुन आदि जीरा डाल के जो मसाला पीसते हैं पूरे प्याज भी उसको पहले अच्छे से भूनते हैं, जब तक अच्छा से टमाटर धनिया पत्ता डाल के भूजेंगे,
तब खूब भुजा रहेगा, तो मतलब खुशबू आएगा, तब जाकर उसमें फिश डालेंगे। तो गाइस आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये येलो येलो क्या डाल रहे हैं, तो ये कोई चूना चूना पानी या तारी मत समझिएगा, ये सरसों का पानी है जो मिक्सर में जो बच जाता है उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको कटोरे में निकालते हैं। तो गाइस कुछ गलत मत समझिएगा कि आप मिसयूज नहीं करते उसको, यूज कर लेते। हाँ तो ऐसे यूज होता है, मछली में जितना भूजिएगा उतना स्वाद आता है। देख रहे हैं कैसी नशीली चीज लग रही है, नशीला मसाला। और देखिए गाइस चोर को देखिए, बना रही और खा रही है, और कानो कान मेरी माँ को खबर नहीं है कि बहू बनाती है और चटकाती है, बनाती है चटकाती है। और ये देखिए काम वाले भाई बीच में खा भी रहे हैं, तो आप गाइस आप बताइए कि काम वाले भाई ऐसी रखनी चाहिए जो बीच बीच में आपका सामान भी चपा चट करते रहो, बनाते रहो, पता ही नहीं चले क्या बोल रहा है, क्या बनाए, मेहनत करे और खाए नहीं। मतलब अरे भैया खाने के लिए ना टाइमिंग मिलेगा, मेहताना मिलेगा दो पीस अभी खा, हम मालिक आदमी खाएगा बेटा। अभी और बुलाएगा अच्छे से। तो गाइस थोड़ा प्रोसेस लंबा है, तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा पॉज करते हैं, उसके बाद जब फिर चलता है तो नकली चीज दिखाते हैं। ये है बड़ी मछली, ये है छोटी मछली, जैसे मैंने बोला था वो छही है, और ये कतला है, और कतले का पीस है। और मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई बताओ ये क्या है, ये बात ये वाला चीज़ बताना है, और लकड़ी है क्या, तो छोटा वाला मछली अभी डलेगा इसमें। और बस देखिए वो रंग पकड़ रहा है, देख रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है, देखिए पानी आ रहा है गाइस। हैं सो गाइस फाइनली फिश डला चुका है, और आप देख सकते हैं कितनी नशीली चीज लग रही है, एकदम लाल, मजा आ जाएगा खाने में, मतलब मुझे तो नहीं आएगा क्योंकि मैं खाता नहीं छोटा मछली, तो काफी खूबसूरत दिख रहा है। और ये कमाल है पूर्णिमा के हाथों का, जो बना रही है इस पूर्णिमा के हाथों का कमाल है। तो अभी ये पानी डालने जा रही है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं, कुछ डिफरेंट होता है, आई नो अलग अलग सिटी का अलग अलग घरों का अलग अलग ही होता है, पर थोड़ा बताइए कि लाइक बिहारी स्टाइल में किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं, अगर बिहारी स्टाइल में बनाएंगे वो बहुत टेस्टी होता है। मसाला खूब डालते हैं, मम्मी का कॉन्सेप्ट है कि घर में मतलब देखा जाए तो सब कुछ अलग अलग ही रहता है हमारे घर में, और आप देख सकते हैं थोड़ा हमारा मतलब सब कुछ अलग है, मतलब पॉट अलग है, गैस बर्नौल अलग है, गैस चूल्हा अलग है, स्टोव अलग है, बर्तन अलग है, और मतलब पत्ता में आप देखते बर्तन नहीं है, पत्ता में कैसे खा रहे हैं, तो पत्ता में खाने का रीज़न भी है, मतलब ये थोड़ा सा बर्तन वर्तन धोने का झंझट हो जाता है थोड़ा, मतलब उसको मछरा बोलते हैं हमारे बिहार में, अरे ना आपके तरफ क्या बोलते हैं वो तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। तो आज से कुछ स्पेशल यही है, और सैटरडे संडे है तो वीकेंड है, वीकेंड में थोड़ा सा माहौल चाहिए, मैं तो बाहर घूमने जाएँ, तो कहीं जाना है क्या बाहर घूमने, कपड़ा क्यों खरीदना है, तो किसके लिए खरीदना है, अपने लिए। गाइस मतलब मुद्दे की बात यही है कि वो खरीदना अपने लिए चाहती है, नाम मेरा फंसा रही है, क्योंकि अब जाएगी तो खरीदेगी अपने। अब गाइस आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए कि कौन कौन ऐसे कपल कितने हैं कि जो मतलब कपड़ा मॉल में खरीदने जाते हैं बोल के कि भैया चलना है, मतलब आप मुझे आपके लिए कपड़ा लेना है, पर जाते जाते में बात हो जाता है कि आप बैठिए हम अपने लिए पसंद कर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो भैया ऐसा माहौल हो जाता है कि मॉल में जाते हैं और झूलते रहते हैं
मतलब ऐसे 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 मतलब यही यही हो जाता है। तो थोड़ा सा बेकार सा हो जाता है। तो हमें बताइए कि मतलब कितने सारे ऐसे कपल्स हैं जो एनिवर्सरी के नाम पे ब्लैकमेलिंग चलता है। हमारे घर में भी चलता है यार। मुझे मेरी बीवी बोल अभी क्या है पूर्णिमा बोल रही है कि कपड़ा लेने चलना है। मतलब ये बोल रही है आपका कपड़ा लेके चलना है और मैं भी लेना है। मुद्दे की बात यही है कि एक्चुअल में कपड़ा तो उसको अपने लिए ही लेना है। फैक्ट यही है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और एनिवर्सरी है हमारा 17 को तो वो भी बात है। तो मन तो यार बहुत 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 गर्मी है यार। आप मुझे बताइए आप किस शहर से हैं और आपके शहर का टेम्परेचर क्या है एग्जैक्टली। आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो पूरे दिन का देखते हैं कितना हम ले पाते हैं। फिलहाल जो ब्लॉग है वो सैटरडे को ही रिलीज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली तो यही है। पर दिन में भी अगर लगता है कि हमें ब्लॉग शेयर करना चाहिए वी कैन डू। और देखिए हमारी जो काम वाली बाई है वो बनाते बनाते खाती भी है। आपकी काम वाली बाई खाती भी नहीं है। तो क्या है भैया धर्म वर्म कुछ नहीं होता है। तब मोह माया है। कोई धर्म नहीं होता है। तब मोह माया है। सब चार बात ऐसा तो भैया हम तो नहीं करते हैं। पता नहीं चार बात अब पति से तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। चार बात सुनाते हैं ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं। सैटरडे संडे गाइस आज का क्या प्लान है। वैसे आप लोग बताइए कि आज आप लोग का क्या प्लान है। मतलब वीकेंड्स का बेसिकली बिकॉज बहुत धूप है। तो थोड़ा प्लान किया था कि आज अपनी डॉटर को लेके हम जाएं थोड़ा सा मॉल और वहाँ पे बहुत सारे किड्स के खेलने का इन्वायरमेंट जो होता है तो उस सेक्शन में जाके इसे थोड़ा झूला झुलाना और अपना गेम वेम खेलती। पर गाइस धूप इतना है कि मतलब दिमाग ख़राब है। आज मैं मार्केट गया और बस थोड़ा सब्जी वेजिटेबल ले रहा था। और मतलब धूप इतना था कि दिमाग ख़राब हो गया। मतलब बॉडी एकदम जलने लगा इतना धूप है। मतलब लाइक आई डोंट नो बीच में थोड़ा बारिश का माहौल हुआ था। ठंडा तो हुआ था बिहार में पर आज का तो मौसम देख के थोड़ा लग नहीं रहा है कि भाई ठंडा का कोई माहौल है। सेट तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ कितना धूप है आज का। कितना धूप है। अब आसमान देखो मतलब आसमान साफ है पर धूप ओ माय गॉड अरे गर्जी गर्जी मतलब गर्मी में ना ऊपर से लोग इतने गर्जी मतलब लोग इतने गालियाँ दे रहे हैं। ये शहर में कौन सा सेक्शन है। लाइक आपके शहर में रिचार्ज वाला सिस्टम मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी मीटर की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कम्प्लीटली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। बिकॉज अब मान सकते हैं कि जो थोड़े मिडिल क्लास के हैं थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के हैं तो वो कितना रिचार्ज करेंगे। मतलब 500 रिचार्ज कर लेंगे फिर 10 दिन पे थोड़ा सा यूटिलाइजेशन पे उनको थोड़ा सा यूटिलाइजेशन में उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने कि कैसे यूटिलाइज करें चीज़ों को है ना। तो ये जो सिस्टम है मीटर का बहुत बहुत ख़राब है। मतलब बहुत लोग परेशानी हो रही इस चीज़ों में और बिल भी ज़्यादा आ रहा है तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है उस चीज़ों में। खैर ये सब बातें तो होता रहेगा। और चलिए लाइक आज का लाइक मॉर्निंग में जो एक्चुअली मिष्टी का सुबह सुबह स्कूल होता है। मतलब अभी मॉर्निंग स्कूल है बच्चों का 6 o'clock का। तो फिर पूर्णिमा भी 5:30 को उठती है। फिर उसे मिष्टी को उठाना होता है उसे ड्रेसअप करना होता है खिलाना होता है और फिर उसको स्कूल भेजना होता है 6:30 तक। तो इट्स वेरी टफ हो जाता है। और फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी भी उस समय उठ जाती है तो वो बहुत टफ हो जाता है टाइम। वो अकेले ही मदर थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाता है करना। तो कल आज अगर चिकन बन रहा है तो कल मटन बनेगा। बिल्कुल नहीं गाइस हमारी कभी भी नहीं सुनी जाती है कभी भी नहीं। और आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया ऐसा कितने पति हैं जिनकी बातें नहीं सुनी जाती उनके मन की चलती नहीं है। और भैया मन की नहीं चलती कुछ की भी नहीं चल सकती। और इसी बीच में मिष्टी थोड़ा इधर उधर भाग के खेलते रहती है तो लाइक मैं थोड़ा सा अफ्रेड रहता हूँ गर्मी के टाइम पे थोड़ा बच्चों को ना। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब बच्चों का गर्मी का टाइम पे तबीयत खराब हो जाता है। मेरी बेटी का तबीयत खराब हो जाता है कभी फीवर कभी मतलब चलता रहता है उतरता रहता है। तो मैं रियली फेड अप हूँ इस चीज़ों से कि भैया कितना
बार बार डॉक्टर के आन जान कर करके थक गया हूँ मैं मतलब। और ये मतलब बच्चे ही हैं, बच्चे अब कितना समझाओगे तो मतलब बच्चे मुंह में उंगली रख रहे हैं, मतलब गंदे जगह हाथ रखे, मुंह में उंगली रखे, तो अब समझाते समझाते थक जाओगे। ले बच्चा दे कांट लिसन योर वर्ड बिकॉज दे आर चाइल्ड एंड तुमको समझ में आएगा नहीं। और अभी फिलहाल तो माहौल ही ऐसा है, वीकेंड को होता है थोड़ा सा चिल रहता है, चलो ठीक है, लेकिन वीकेंड भाई साहब तुरंत बीत जाता है और पता ही चलता है भाई वीकेंड बीत गया है ना। तो वैसे आप हमारे एक, ये तो पूर्णिमा अलवेली पूर्णिमा का चैनल है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को ही फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहता हूँ, ऐसी वीडियो जो चीज़ आप लोग को पता नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, और आप वहाँ जहाँ पैसे देते हो वहाँ नहीं देना चाहिए और वहाँ पैसे देते हो, वो चीज़ आपको जाननी ही चाहिए लाइफ में, राइट। आप में से मुझे सिर्फ इतना कमेंट करके बता दो ठीक है, आप में से कितनों को पता है कि जो हमारे सिलेंडर होता है ना LPG सिलेंडर, कितनों को पता है कि वो सिलेंडर भी एक्सपायर करता है। आई थिंक 100 से 10% लोगों को पता होगा, पूरे लोगों को नहीं होगा पता। ऑनेस्टली मुझे कमेंट करके बताओ कि कितनों को पता है क्या। अब भाई गूगल करोगे तो वो तो भैया चूड़ी वाली बात हो गई, तो गूगल करके नहीं बताना है, ऐसे बताना है गाइस, वो भी एक्सपायर होता है और उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखा होता है। कंसर्न ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, वो बहुत बहुत सेफ्टी रीजन वाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को, समझे। आप इस गबरू मल को देख सकते हैं, मतलब बनाते बनाते खाना जरूरी है भैया, अगर हम गलती से छू दिए ना तो लेके खा रहे हैं, एक साथ बनने दीजिए तब खाइएगा, पर इनको देखिए बैठे बैठे खाते हैं। कन्याओं के बात में ना बिल्कुल ना जाए ठीक है, कन्याएं मतलब ऐसा है कि कन्याओं को समझना मुश्किल है भाई साहब, साक्षात भोलेनाथ नहीं समझ पाए पार्वती माँ को, तो हम लोग को कुछ इंसान है। तो कैसा कुछ है जरा बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी अभी फिलहाल फिश बन रहा है, और फिश बनने के बाद देखिए पूर्णिमा ऑलरेडी 2 फुट दूर दूर से ही काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो पढ़ना है, गाइस आप लोग भी पता है बहुत उड़ता होगा। एंड इसके बाद क्या होगा पूर्णिमा, क्या बनेगा, और आप देख सकते हैं कि छोटा मछली, आप देख सकते हैं कि मतलब कितना, देखिए बात करूँ ना तो मैं सिलीगुड़ी गया था फैमिली के साथ, मौसेरी साथ रहती है, तो सिलीगुड़ी में पता है मछली बहुत सारे मिलते हैं, तो मुझे नहीं पता एक्जैक्टली मछली का क्या नाम है, इलिस मछली मैं भूल रहा हूँ, अगर सही से उस मछली को, मैं वो उस दिन मछली बना था और मैं पहली बार वो मछली खाया था, वो बहुत ही अलग तरह की मछली था, और कसम से बता रहा हूँ गाइस उस मछली को जब मैं खाने के लिए बैठा ना, मैं तकरीबन मुझे लगता है 10:15 में बैठा होगा रात में, और भाई साहब 12:25 में टाइम देख के उठा, 12:25 से एक पीस खाने में 12:25 बच गया, मतलब आप समझ रहे हैं 2 घंटा, नहीं नहीं भाई साहब एक ही पीस में, ना 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 हम एक ही पीस में हाथ जोड़ लिए थे भाई साहब, 2 पीस ना उसमें, मतलब अगर गिना जाता ना तो भाई 200 से ज़्यादा कांटा दिखते, 200 से ज़्यादा कांटा निकलता, आप सोचो कि भाई एक कांटा चुन चुन के मैंने बोला भैया राम सलाम, हमने बोला कि अच्छा एक बात बताइए, आप हमको ऐसे झापड़ मार लीजिए अगर हमने गलती की है, आप ये कौन सा सजा दे दिए, एक कांटा वाला मछली बैठा है कौन सा सजा दे दिए भाई, 2 घंटा तक एक मछली कौन खाता है बताओ, मैं खाता हूँ, इसलिए सुंदर चीज़ों पे नहीं जाना है, भाई सुंदर चीज़ बहुत ही गहरा घाव करता है, इसीलिए जो सामने है वही। तो इसके बाद पूर्णिमा बनाएगी वो छोटा मछली, छोटा मछली बनेगा, उसके बाद चावल बनेगा राइट, छोटा मछली बनाएंगे, बड़ा मछली बनाएंगे। तो गाइस अकेले इकलौता होना बहुत ही टफ चीज़ है, इकलौती बहू होना बहुत टफ चीज़ है, थोड़ा दो तीन होता है तो ज़्यादा मिल मिलाव होता है, फैमिली मिली जुली रहती है तो मिल बांट के काम चला जाता है, और इसी उपलक्ष्य में मैं शाम में कुछ मंगवा देता हूँ खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा काम वाली बाई को पटिया के रखना पड़ता है, तो काम वाली बाई को थोड़ा पटिया के रखना पड़ता है कि काम वाली बाई नहीं है भैया, शब्दों पे ना जाए, अंदर की भावनाओं को समझे हैं, और अपने घर के काम करने से कोई काम वाली बाई होता है क्या, अपने घर का काम करने नहीं होता है,
बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, इसी बात पे चलिए, खाना वाना बंद। ठीक है, आप एग्री करिए कि अपना घर का काम करने से कुछ प्यार वाला काम भाई तो बन ही सकता है ना, नॉर्मल ओरिजिनल काम भाई नहीं बन सकता है। तो गाइस हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को बनने के बाद। मैं बैठा अपने डॉटर के साथ, रात हो गया है, रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, तो फिलहाल अभी थोड़ा चिलिंग मोड है, फिर लंच करेंगे। क्या हुआ? देखो इधर देखो। ये मेरी दूसरी डॉटर है, मीठी नाम है, मीठी स्माइल स्माइल बेटा स्माइल। चलिए, ये तो बच्चों का चलता रहेगा अपना स्माइल करना। तो बैंक गया था मिष्टी का लास्ट नेम चेंज करने के लिए। एक्चुअली हमने जब मिष्टी का जन्म हुआ था तो उसका फर्स्ट नेम ही रखा था शांभवी, और जबकि हमें लास्ट नेम रखना चाहिए था पर हमने रखा नहीं था। पर क्या होता है कि अगर आप लास्ट नेम नहीं रखते हैं तो फिर आपको दूसरे कंट्री में, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो लास्ट नेम के बिना अलाउड नहीं करती है, एंटर करना और वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होता है। तो अगेन मैंने फिर से बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवाया, बहुत प्रॉब्लम हुआ, और फिर इसका जाके समिति में चेंज करवाना, फिर उसके और भी जो पॉलिसीज हैं उसमें चेंज करवाना, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट हुआ पर हो गया। तो गाइस एक इंफॉर्मेशन है मैं जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ भी, कि अगर आप नाम में कोई चेंजेस हो जाता है तो आप प्लीज़, अगर आपकी डॉटर है तो आप उसके जो भी स्कीम्स आपने गवर्नमेंट का ले रखा है उसमें भी चेंजेस ज़रूर करवाइए, वरना आपको जब मैच्योरिटी का टाइम होगा माइट बी तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगा, तो एफिडेविट लगेगा, बहुत सारा एक्स वाई जेड रीज़न होगा, तो ये करवाना चाहिए आपको। तो आज का दिन वैसे ही मेरा चला गया, और दो घंटे बाद बैंक से वापस आया और मैं काफ़ी थक गया था। तो फिर मैं सो गया, मैं उसके बाद फिर उठा तो फिर लाइक शाम के स्नैक्स, और फिर अभी आके बस अपने लिविंग एरिया रूम में बैठा ही हूँ। और ऑफ कोर्स मम्मा पापा हमेशा डांस या फिर सीरियल्स देखते रहते हैं, तो उनके साथ ही देखते हैं बैठ के, जैसे कि देख सकते हैं आप हमें, देखिए चल रहा है टीवी, ये आप मतलब थोड़ा सा हमारे दादाजी के ज़माने का टीवी है जो मम्मी को बहुत ज़्यादा, हमारे माता श्री को बहुत लगाव है इस टीवी से, और शी वरना चेंज तो कब का हो गया था, ये दद्दू ज़माने का टीवी है हमारे घर में। और हमारी माता श्री जब देखती हैं, देखिए मम्मी देख रही हैं, और इनके साथ भी हम लोग को देखना पड़ता है, चाहे बाबा आदम जमाने का भी मूवी है तो हम लोग को देखना पड़ता है। बाबा आदम जमाने का जो भी मूवी भी होता है ना, राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा के जमाने का, वो हिसाब में देखना पड़ता है हम लोग को। देवानंद, अभी फिलहाल देवानंद वाला मूवी चल रहा था तो हम लोग साथ में बैठे थे। एक्चुअली अच्छा लगता है, मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा फैमिली के साथ बैठना और उनसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखिए मूवमेंट है, आप काम तो हमेशा करते हैं और अपने समय में तो हमसे बिजी रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, बहुत सारी बातें निकलती है जो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोग से भी वैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, बहुत स्पेशल टाइम होता है वो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो देख सकते हैं ये मिष्टी का बहुत स्पेशल जगह है, मतलब मिष्टी हमेशा टीवी के पास ही जाके देखती है अभी। हाँ तो दूर होके आप देखो और देख रहे हैं, तो डांस वाला पसंद नहीं है, और बाबा आदम खोर के ज़माने का भी मूवी चलता रहता है तो बस बैठ जाते हैं देख लेते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, मोस्ट प्रोबली करते तो होंगे, लेकिन अगर नहीं करते तो आप लोग अपने पेरेंट्स से टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत सारी बातें होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। उनके उम्र में हमारे उम्र में बहुत डिफरेंस होता है, पर क्या है कि उनकी बातों को भी थोड़ा समझना चाहिए। कुछ लोग नहीं भी समझते हैं, समटाइम्स होता है, हर घर की बात होती है। तो अभी काफ़ी टाइम होने जा रहा है गाइस, और 9 o'clock होने जा रहा है, तो हम लोग डिनर करने के लिए जाएंगे। सिलसिला तो चलता रहेगा गाइस, सब ब्लॉग अभी पर इतना ही, और मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ। फर्स्ट ब्लॉग है गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर दबा के करना। हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, हमारी दूसरी डॉटर है आप देख सकते हैं, हेलो दूसरी डॉटर आप देख सकते हैं लवली,
ये बस बस, और दुनिया जहान का कुछ नहीं खाएगी, मुंह में पांच उंगली है ना, बस करते रहेगी बस। हाँ से हाय, बस बस। तो गाइस आज का ब्लॉग आज ही खत्म कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।